नमस्कार दोस्तों, हर तरफ जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। देश भर में कृष्ण जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर हर कोई भगवान श्री कृष्ण को पूजा कर प्रसन्न करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दे कि कृष्ण जी अपने भक्तों को सपने के माध्यम से अपनी कृपा होने का एहसास करवाते हैं। वह भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं का संकेत देते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का सपने में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देने का क्या मतलब होता है। तो आइए जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सपने की। अगर आपको जन्माष्टमी के पावन मौके पर सपने में श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में संकटों का नाश होने वाला है। अगर आपको जीवन में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ है तो ऐसे में आप बेहद ही भाग्यशाली हैं। यह सपना दर्शाता है कि आप पर श्री कृष्ण जी की अपार कृपा बनी हुई है। इसी के साथ अगर किसी गर्भवती महिला को सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं तो ये उस महिला को पुत्र रत्न प्राप्त होने के संकेत होते हैं। तो वही स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में श्री कृष्ण माखन खाते हुए दिखाई दे तो इसे धन लाभ का संकेत समझना चाहिए। ऐसा सपना आए तो इसका अर्थ है कि अचानक आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है या फिर आपका पैसा जो कहीं अटका है वो भी मिल सकता है। यह सपना निकट भविष्य में होने वाले धन लाभ के बारे में सूचित करता है। इतना ही नहीं, अगर आपको यह सपना आता है तो समझ जाइए कि आप अपने कार्य में बड़ी सफलता को पाने वाले हैं। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आपको सपने में श्री कृष्ण युद्ध करते हुए या क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो यह शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि आप पर जल्द ही कोई आर्थिक संकट आ सकता है। ऐसे सपने आने पर श्री कृष्ण जी से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करें और भूलवश अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। अगर आपको सपने में सफेद रंग का मोर दिखाई देता है तो ये सपना बहुत ही सुखद माना जाता है। इस तरह के सपने आना आपको अमीर बनने के संकेत देता है। सपने में सफेद मोर देखना मतलब आपको अचानक ही कहीं से धन लाभ होने वाला है। बताते चले कि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी को मुरली बजाते हुए देखना मतलब आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। इस सपने का आना बेहद शुभ माना गया है। इसी के चलते अगर आपको सपने में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है। आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आखिरी सपने के तौर पर आपको बता दे कि अगर आपको सपने में श्री कृष्ण जी के किसी मंदिर के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण जी आपके जीवन की हर समस्या को हल करने वाले हैं। मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए इस सपने को बेहद शुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण से जुड़े ये सपने आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।